दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी इंडियन बाइक डैम 3D वर्सेस इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग को इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने बोला हाँ भाई चाहिए। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मैक्सर AKA अनोज एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन बाइक डैम 3D वर्सेस इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, जो भी बंदा चैनल पे नया है चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेना एंड सभी बंदे वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करिए अगर इंडियन बाइक डैम 3D की, तो यहां पे आप लोग चीट कोड से जानवर भी मंगवा सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग 50-50 डायल करते हो तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है एक चमचमाता डीनो। 600 डायल करने पे आप लोगों के सामने आ जाता है कुत्ता और 200 डायल करने पे आ जाता है घोड़ा। तो इंडियन बाइक डैम 3D में मेरे ख्याल से तो यही 3-4 जानवर है, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D में हम लोग को कौन कौन सा जानवर देखने को मिलता है। तो आपको जान के बहुत ज्यादा दुख होगा कि इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D में आप लोग को एक भी जानवर देखने को नहीं मिलता। क्या हुई अभी, क्यों और क्या हुई ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक भी जानवर देखने को नहीं मिलता। हो सकता है आगे जाके अपडेट्स में ऐड कर दिए जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन बाइक डैम 3D इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D से इस मामले में आगे है। नेक्स्ट, इंडियन बाइक डैम 3D को आप लोग नॉर्मली भी खेल सकते हो प्ले करके, लेकिन यहाँ पे आप लोग को चैलेंजेस भी देखने को मिल जाती है। और चैलेंज में आप लोग को यहाँ पे 3 चैलेंज देखने को मिलती है, मेगा रैम, फन ट्रैक और जुरासिक पार्क। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D की, तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, कोई भी चैलेंज मोड यहाँ पे फिलहाल के लिए तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप लोग इंडियन बाइक डैम 3D में किसी NPC को मारते हो या उसकी गेम बजा देते हो तो वहाँ पे 5 सेकंड के अंदर आ जाती है पुलिस। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D में किसी NPC को मार देते हो, रुको मैं इसको मारता हूँ देखते हैं पुलिस आती है या फिर नहीं, अभी मारता हूँ इसको हेडशॉट। लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा? अरे मर जा भाई, ये कितनी गोलियां खा गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक बेटे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मरा भाई, फाइनली भाई ये तो मरा। लेकिन यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं है और ना ही आएगी, क्योंकि इस गेम में पुलिस है ही नहीं। लेकिन एक चीज है इस गेम में जो इसको बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाती है, और वो है इसके ग्राफिक। भाई इंडियन बाइक डैम 3D तो इसके ग्राफिक के सामने चाय कम पानी लगती है। मतलब आप लोग देख ही सकते हो यार कितने ज्यादा बढ़िया ग्राफिक है इस गेम के। और एक और चीज जिसकी वजह से ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो है इस गेम का TV। इस गेम में आप लोग TV को ऑन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोग को सिर्फ कार्टून ही देखने पड़ेंगे, और वो भी सिर्फ एक ही वीडियो आती है बार बार कार्टून की। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा गेम में TV तो है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन बाइक डैम 3D में TV तो है, लेकिन शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है इसलिए ये ऑन ही नहीं होता। लेकिन फिर भी इंडियन बाइक डैम 3D तो काफी ज्यादा बढ़िया गेम है, एंड इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D भी मेरे को अभी ठीक ठाक गेम लग रहा है। एंड हमको उम्मीद है कि आने वाले अपडेट्स में इंडियन कार एंड बाइक डैम 3D और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और आज की वीडियो को यार यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।